हाथ में नहीं लग गए। बिहार में क्या हो रहा है? क्या लौट आया है जंगल राज? आखिर क्यों अपराधी बेखौफ हैं? कहां है सुशासन का झंडा उठाने वाले? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक बिहार के अलग अलग शहरों में अपराधी तांडव कर रहे हैं। आरा में सोमवार रात एक रिटायर्ड प्रोफेसर दंपत्ति की नृशंस हत्या कर दी गई। मोतिहारी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई। गोपालगंज में एक छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पिछले हफ्ते पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास अपराधी मोबाइल छीनकर ही फरार हो गए। वहीं हाजीपुर में बेखौफ लुटेरों ने गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये चंद तस्वीरें हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या कर दी गई है। इस वक्त आरा में हम उसी मकान के बाहर खड़े हैं जहां पे ये घटना हुई है। सोमवार की रात करीब 10:30 बजे इन दोनों का शव मकान के कमरे से बरामद किया गया है। शरीर पर चाकू के जख्म के निशान पाए गए हैं। चाकू के अलावा धारदार हथियार से भी इन पर हमला किया गया, उसके भी जख्मों के निशान इनके शरीर पर है। हत्यारे ने जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया उसे देखकर हर कोई हैरान है। ये आरा की बेहद पॉश माने जाने वाली कुंवर सिंह कॉलोनी है। 67 साल के डॉक्टर महेंद्र प्रसाद और 65 साल की पुष्पा सिंह इसी 3 मंजिला मकान में अकेले रहते थे। दोनों ही रिटायर्ड प्रोफेसर थे। सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पूरे आरा में इनकी अच्छी पहचान थी। इलाके के लोगों के मुताबिक दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था कि किसी से दुश्मनी होने की संभावना नहीं थी। इनका किसी से दुश्मनी नहीं थी। एक शिक्षक थे और बहुत व्यवहारिक थे और वो भी बहुत सम्मानित शिक्षक थे। विश्वविद्यालय में डीन तक रहे हैं, DSW तक रहे हैं। उनको पूरे आरा जानता है क्योंकि सामाजिक व्यक्ति थे, लोग आते जाते थे उनके पास। इस डबल मर्डर का पता तब चला जब बेटियों ने अपने माता पिता के मोबाइल पर फोन किया। फोन बंद मिला। उन्होंने पड़ोसियों से पता करने को कहा। पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे तो दोनों बुजुर्गों के खून से सने हुए शव जमीन पर पड़े थे। पुलिस के मुताबिक हत्या को किसी धारदार हथियार से अंजाम दिया गया। अपराधी का पता लगाने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ यहां पहुंची। SFL की टीम भी सुराग जुटा रही है। इन्वेस्टिगेशन चालू है इसमें। हमें कल ही सूचना मिली थी 10 बजे रात में। उसके बाद से हमारी सारी टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज हैं इसमें दे दिया गया है और हम लोग बिल्कुल उम्मीद करने की जल्दी पकड़ने जो अभी ये काम किया है। जांच के दौरान पुलिस को यहां लगा ये CCTV मिला। इसके फुटेज को खंगाला गया तो एक अनजान शख्स की तस्वीर मिली, जिसे लेकर आसपास के लोगों का दावा है वो उस घर में खाना बनाने आता था। नए व्यक्ति आ रहा है, वो भी खाना बनाने का काम करता है। 2-4 दिन से शायद आ रहा है। हम लोग अभी शक उसी व्यक्ति पे है। इस शख्स की तलाश की जा रही है। अभी तक हत्या के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि प्रोफेसर महेंद्र 1982-83 में BJP युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष रह चुके हैं और 1990 में बिहार के काराकाट से BJP के प्रत्याशी भी रहे हैं, इसीलिए हत्याकांड में राजनीतिक एंगल भी जुड़ गया है। पूरे प्रदेश की हालात ऐसी है कि कानून का शासन नहीं रह गया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह समाप्त है। अपराधी बेखौफ है और पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल है। बिहार पुनः उसी दौर में जा रहा है 90 के दशक के दौर में, जहां से वो मुश्किल निकला था। ये आरोप भले ही सियासी लगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का जवाब तो देना ही होगा। क्या यही है उनका सुशासन? मारिए गोली, मारिए। अरे अरे, स्टेडियम साहब, वाच के। क्योंकि सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, आंकड़े बताते हैं बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं।
खासतौर से जब से नीतीश ने दोबारा महागठबंधन का हाथ थामा है। अगस्त से अक्टूबर 2021 में नीतीश जब बीजेपी के साथ सरकार में थे तब बिहार में हत्या के 701, रेप के 365, डकैती के 53 और अपहरण के 2551 केस दर्ज हुए। वहीं 2022 में इसी दौरान हत्या के 704, रेप के 502, डकैती के 73 और अपहरण के 2857 केस दर्ज हुए। ये तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जब सोमवार शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। शहर की मुख्य सड़क पर हुए इस हंगामे से अचानक भगदड़ मच गई। पत्थरबाजी के बीच दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करके भागना पड़ा। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस पहुंची। सवाल है, मूर्ति विसर्जन को देखते हुए पुलिस ने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की थी? इसी तरह 3 दिन पहले बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के विवाद में एक छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र का नाम अंकित कुमार है, जो एनसीसी कैडेट का छात्र था और इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाला था। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भी आरोपी पक्ष की तरफ से मृतक के परिजनों पर पथराव किया गया। सवाल यह है कि क्या बिहार में कानून का खौफ खत्म हो गया है या फिर नीतीश कुमार की पुलिस ने अपराधियों को खुली छूट दे दी है? आरोप है कि पुलिस बार बार कहने के बाद भी FIR दर्ज नहीं करती। आरा में SP दफ्तर के बाहर खड़े कमलेश का कहना है, उन पर उन्हीं के परिवार के लोगों ने हमला किया, अब उनकी पत्नी और बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन पुलिस केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। ये पति पत्नी है और देखिए, पहले हम आपको दिखाएंगे इन पे जानलेवा हमला हुआ है। देखिए अस्पताल की ये तस्वीर है, उनकी पत्नी हमको तस्वीर दिखा रही है, आवेदन लेके आई है कि इनकी FIR दर्ज करा ली जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा। पीछे भी इसमें तस्वीर है, ये देखिए, हम फोटो को उठा के भी दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ भी आपको तस्वीर दिखेगा, ब्लड पूरा नजर आ रहा है चेहरे पे, देखिए ब्लड है। ये इनके पति इनके साथ में खड़े हैं, ये जो पीड़ित व्यक्ति है इनके साथ खड़े हैं। देखिए अभी भी इनके शर्ट पे खून का धब्बा है, ये देखिए खून का धब्बा पूरा शर्ट पे है, अब देखिए ब्लड आया है। कमलेश और उनकी पत्नी ने ABP न्यूज के कैमरे पर गुहार लगाई कि सरकार उनकी मदद करे और अपराधियों से बचाए। कोई मेरे मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम झारखंड में रहते हैं भैया, और वहाँ से हम आए अपनी पति के चोट लगने पे, और यहाँ आए तो देख रहे हैं हम पड़ोसी के घर में रह रहे हैं, इनको बुरी तरह से हमला किया। इन लोग घर में भी नहीं घुसे, 3 मेरी बेटी है छोटी छोटी, जिसमें 2 बच्ची को हम छोड़ कर आए हैं, वहाँ से 1 बेटी को लेकर आए हैं। मेरे ऊपर भी डर है, वो लोग भी मुझे मारना चाहते हैं। पति को जान का खतरा लगता है कि इनको जान मार सकते हैं? जी जी, मुझे लग रहा है कि इन लोग हम दोनों मेरे बच्चों की हत्या कर देंगे। लेकिन बिहार को अपने हाल पर छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी समाधान यात्रा में व्यस्त हैं। सवाल है, क्या वो राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी कोई समाधान करेंगे या फिर सुशासन के नाम पर राज्य में अपराधियों का शासन चलता रहेगा? ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।